हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, मेरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया वीडियो नहीं आया है, और ये वीडियो मेरा आज ही जाएगा। आज है आई थिंक 9 जुलाई है और दिन है वेनसडे, और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास का। तो आज ही मेरा ये वीडियो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट यूट्यूब पर आ रहे हैं जिनके पास मेरा पर्सनली नंबर है। तो उन्होंने मतलब इस पर व्हाट्सएप पे भी मेरा काफ़ी मैसेज करे हैं कि दीदी आप अपना क्यों वीडियो नहीं डाल रही हो, क्या रीज़न है। रीज़न बहुत सारा है, मतलब बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कि मैं 1 महीने यहाँ से क्यों गायब थी, क्यों आप लोगों के साथ में वीडियो नहीं डाली है। तो वो सब आपको आगे आगे धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू वीडियो डालूँगी। मुझे पता है जैसे वीडियो डालूँगी उतने व्यूज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने से मैं खुद से गायब हूँ यूट्यूब से। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरी वीडियो को। और हाँ, एक और खुशखबरी है, मैं आपको वो आज ही बता देती हूँ। मेरी एक वीडियो 1 लाख से पार कर गई, पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब वो जो शॉर्ट वीडियो थी वो तो मेरी 1 लाख 3 लाख से भी मतलब ऊपर चली गई, लेकिन एक वीडियो मेरी 1 लाख पार कर गई है चैनल पे। तो वो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब तक मेरी कोई भी वीडियो 1 लाख ऊपर नहीं गई थी। तो मुझे मतलब यही लग रहा था कि कोई वीडियो तो 1 लाख से ऊपर नहीं गई है, लेकिन एक वीडियो मेरी 1 लाख से ऊपर चली गई। आज कैमरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी सेटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है फ़ोन की, तो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। एक बार इशू को मैं इसको चेक कराऊँगी क्या है, क्योंकि नया फ़ोन ख़रीदा है। पहले वाला मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, उसके बाद में ये लिया, इसको हो गए 20-25 दिन। तो इससे फ़ोन से मेरी पहली ही वीडियो जाएगी, जो कि अभी तक इसमें कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं है। जैसे कि अभी एडिटिंग वगैरह करूँगी, वो सब मैं अभी इशू से कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है, इस बार ज़्यादा ही मैं खुद से ही देख रही हूँ, तो अपने आप से ही मतलब मुझे ऐसा काला काला सा चेहरा दिखाई दे रहा है, अजीब सा खुद भी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं है ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इशू से थोड़ा सा इसे चेक कराऊँगी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कैमरे क्वालिटी वगैरह तो देख करके ही फ़ोन ख़रीदा था। क्योंकि मेरा पहले वाला जो फ़ोन था, पता नहीं अपने आप ही उसमें क्या हुआ था कि उसका डिस्प्ले जो वो ख़राब हो गया। तो फिर यही था कि डिस्प्ले डलवा लेते हैं, तो डिस्प्ले भी अगर ओरिजिनल डलवाते हैं तो वो थोड़ी सी मतलब महंगी पड़ रही थी, और लोकल वाली उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर यही था कि चलो नया ही फ़ोन ले लेते हैं, इतनी महंगी डिस्प्ले डलवा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ोन भी मेरा 4 साल पहले लिया था मैंने। तो फिर हमने अभी यहाँ पर नया फ़ोन ख़रीद लिया है, तो देखते हैं नया फ़ोन का भी मतलब क्या रहेगा है, कैसे हैं इसकी सेटिंग वगैरह का, इसमें तो पता ही नहीं है। मैं सेटिंग भी करती जा रही हूँ बीच बीच में, मैं खुद ही कैसी क्या हो गया क्योंकि पता है जब नए फ़ोन आते हैं तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं, क्योंकि जो दूसरा वाला फ़ोन था उसमें हर चीज़ की सेटिंग का पता रहता है। नया फ़ोन आता है बच्चों को उतना जल्दी से समझ में आता है, हमें उतना नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। तो देखिए, मैं क्यों चैनल से गायब थी, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें तो देखिए बताने से इतना नहीं फ़र्क पड़ता, मतलब समझ में नहीं आता, दिखाने से ही आएगा। तो मैं आप लोगों को आगे आगे वीडियो में दिखाती जाऊँगी कि मैं क्यों चैनल पे से नहीं मतलब वीडियो बना रही थी। सबसे पहला रीज़न तो मेरा जो उस टाइम पर यह था कि व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। हम कोई चीज़ इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग मेरी शुरू से वीडियो देखो, मैंने इतनी मेहनत की है चैनल पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उस हिसाब से मुझे फल नहीं मिला था। लेकिन मैं फिर भी कई बार मैंने सोचा चैनल छोड़ देती हूँ, लेकिन कई बार क्या हुआ था कि चैनल को मतलब छोड़ने का मन ही नहीं था, यही रहता था कि इतनी मेहनत की है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना है, तो नहीं छूट पा रहा था। अभी भी मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे रीज़न ऐसे हुए। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बात करने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं एडिटिंग करूँगी तो भी देखो बात करी जाएगी, आप लोगों से बात करूँगी वीडियो में तो 10-11 मिनट की वीडियो में मुझे कंटिन्यू आप लोगों से बोलना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम तो अभी भी है थोड़ा सा कंटिन्यू बोलने में, लेकिन बीच में बहुत सारी परेशानियाँ रही थी। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये था मेरे पास चैनल को छोड़ने का, क्योंकि इशू का घर में सभी का ये था कि मम्मी डॉक्टर ने बात करने तक के लिए मना किया है, और वीडियो में तो आप काफ़ी देर मतलब बोलोगी, उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सेहत है, वीडियो तो सब बाद में है। तो घर वालों ने भी मना कर दिया कि जब तक गला ठीक नहीं होगा तब तक वीडियो कोई नहीं जाएगी। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी खुद की तबीयत कई बार ख़राब हुई है, जो
जो मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है। क्योंकि एक बार तो ऐसी तबीयत हो गई थी कि मेरे ईसीजी वगैरह सभी निकलवाने पड़े, तुरंत ही ईशू को लेके जाना पड़ा। तो उस चक्कर में भी कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है और ना ही चैनल पर वीडियो गई है, क्योंकि एडिटिंग कैसे हो पाती। अगर हम लोग कंटिन्यू बात करके भी डालेंगे तो मेरा बोलने का तो मतलब वीडियो में था ही, ये तो तय था कि मुझे बोलना ही पड़ता। तो पहला रीज़न ये था। और दूसरा ये है कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, इस साल काफ़ी मतलब जो होता ना हमारी लाइफ में, जैसे हमने बहुत कुछ सोचा होता है कि इस तरीके से करेंगे कुछ भी काम के लिए, लेकिन उसका हमेशा उल्टा होता है और लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। अब धीरे धीरे लाइफ दूसरी तरफ को पटरी पे, और आगे तो देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बस बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग सोचेंगे कि दीदी क्या पहेली सी बुझा रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊँ तो आपको शायद देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को देख करके इंटरेस्ट लें, ना कि सुन करके ऐसे कि एक ही वीडियो में, क्योंकि मेरे पास कंटेंट भी नहीं बच पाएगा आपको देने के लिए। आप लोग सोचोगे मैं फिर बोर हो गए हम, तो यही है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को डेली का कुछ बताती रहूँगी। बहुत सारे रीज़न है मेरे पास वीडियो को चैनल को छोड़ने के लिए, लेकिन अब फिर वही हुआ, मेरा खुद का मन हुआ है कि छोड़ते नहीं है, चलते हैं। थोड़ा सा इसके चक्कर में मैं बिजी रहूँगी, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी अब कुछ टाइम से मैं फ्री हो गई हूँ, चैनल के साथ में रहूँगी तब थोड़ी सी बिजी रहूँगी। और दिमाग थोड़ा सा हमारा, पता है चैनल चले या ना चले वो तो हमारी किस्मत के ऊपर है, लेकिन हमारा एक होता है कि रूटीन बन जाता है कि हम वीडियो डालेंगे, करेंगे, देखेंगे बहुत सारी चीज़। और मेरी जो एक वीडियो है जो 1 लाख पे गई हुई है, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे चैनल पर एक वीडियो तो 1 लाख पे चली गई। आई थिंक वो मैंने 2 साल पहले डाली थी, वो वीडियो मेरी 1 लाख पे गई है, जो मैंने किचन में उसके एडजस्ट फैन की डाली हुई है, वो वाली मेरी वीडियो 1 लाख पार कर गई है। तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि कम से कम अब ये है मुझे कि मेरे चैनल पर भी मेरी एक वीडियो पार चली गई है। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है कि सबके चैनल इतने उठे चले जाते हैं, मेरा चैनल उतना अच्छे से नहीं गया है। मैं तो इस चीज़ को भी बहुत ये मानती हूँ कि मेरे चैनल पर मेरे 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और आप सब लोग भी जो भी मेरी वीडियो देखें तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही चैनल हमारा सर्च में जाएगा। तब तक आप लाइक नहीं करोगे चैनल सर्च में हमारा नहीं जाएगा। तो देखिए बच्चों के साथ में, ईशू के साथ, गीता के साथ मस्ती धमाल, आप लोग जैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी और दोबारा से अपने चैनल पर ध्यान दूँगी। और आप लोगों की जितनी भी मुझे मतलब मैसेज करके पूछ रहे थे, सबके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मतलब, ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल छोड़ दिया तो आप लोग मुझे भूल गए, भूली तो मैं भी आप सबको नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे याद रखा कि कहीं ना कहीं कुसुम फैमिली ब्लॉग भी था जो आजकल मिसिंग है, नहीं वीडियो आ रही है। तो उसके लिए सच में ही मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की कि इतने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, इतने सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि दीदी क्यों नहीं डाल रही है, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई। क्योंकि रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ आप लोगों को कि क्यों नहीं आ रही है मेरी वीडियो। वीडियो ना आने के कई सारे रीज़न से, कुछ रीज़न मैंने आपको दिए हैं, कुछ आपको मैं नेक्स्ट टाइम में दूंगी। और बहुत सारी चीज़ों की तैयारियों में लगी हुई हूँ इस टाइम पे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। घर के मेंबर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं इधर से उधर, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी अपने चैनल पर, क्या हो रहा है, क्या मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। कभी कभी तो पता है मन लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग रिश्ते नाते हैं जो थोड़े थोड़े करके अपनी अपनी जगह पर सेट हो रहे हैं। तो चलिए वही मैं आप लोगों के साथ में वीडियो दिखाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। अगर न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यही छोटा सा मेरा एक वीडियो है जो आप लोगों को एक सिर्फ मुझे अपडेट देनी थी, बाकी का मैं अपना घर का रूटीन सारी चीज़ें कल से दिखाना शुरू करूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत जगह आई फ्लू फैल रहा है, तो अपना अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।